रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया ना हो गया ओके okay. तो देखो बेसिकली आज डिस्कशंस करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है क्यों यूज किया जाता है फाइनेंस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इंपॉर्टेंस ही किस लेवल तक है और आपको एज ए सी एज ए सी एस एज ए सी ए या फिर एज ए कॉमर्स स्टूडेंट आपको ये जानने का क्या जरूरत है ठीक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल सीख के आप क्या यूज कर सकते हो इवन अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पर भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या इंपॉर्टेंसी रखता है इट्स ह्यूज है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का यू कैंट इमेजिन तो चलो जो भी है आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि एज ए इन्वेस्टर पर एज ए इन्वेस्टर एज ए स्टूडेंट्स ऑफ फाइनेंस आपको सीरियसली बहुत कुछ नॉलेज गैदर करने वाले हो आप लोग तो. तो चलो मैं धीरे धीरे बात बात को बढ़ाता हूं ठीक है ज्यादा हड़बड़ी नहीं बहुत स्लोली आप मैटर को समझो Okay, चलो ताँग भलो, ताँग भलो जब हम लोग स्टार्ट किया था लोगों याद है मैं एक की आप लोगों के साथ करता था वर्ड ये था ये कि केसी याद है आप को एकदम स्टार्टिंग में जब हम yes, लोग टाइम वैल्यू ऑफ मैंने चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो उसमें का एक

कोई भी बिजनेस को अपना बिजनेस को अगर मूव ऑन करना है तो मूव ऑन करने के लिए उसको एक चीज बहुत जरूरी होता है कि उसे फंड का कमी होता है और वो फंड का कमी उसको करना है कैसे भी करके तो ये जो फंड का कमी को वो लोग सब्सिट्यूट करते हैं जैसे रिसेंटली हम लोग स्टॉक मार्केट क्लास में डिस्कशन कर रहे थे लास्ट क्लास में जो लोग आप में से स्टॉक मार्केट क्लास करते हो उनको पता होगा कि स्टॉक मार्केट क्लास में हम लोग लास्ट डे में स्टॉक uh, मार्केट में फ़िनेंस के बारे में बात कर रहा था कि किस तरह से कंपनीज को बूस्ट किया जा रहा है और पूरा दुनिया में पैंडेमिक है लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट क्यों रैली कर रहा है मतलब uh, 50 परसेंट रिटर्न दिया है सर लास्ट फोर फाइव मंथ्स में निफ्टी एन सेंसेक्स मतलब ये सच में आउट ऑफ इमेजिनेशन से किसी किसी का कि जहाँ पूरा ग्लोबल पैंडेमिक में इकोनॉमी स्लो चल रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड इस सिचुएशन में पूरा का पूरा वर्ल्ड में ऐसा हालत है इवन इंडिया में इसके चपेट में है लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट रैली करे जा रहा है जहां साढ़े सात हजार में चला गया था मार्च महीने में साढ़े सात हजार से निफ्टी वापस इलेवन थाउजेंड के आसपास कैसे पहुंच गया ठीक है तो क्या ये कोई ख्वाब है कोई डुप्लीकेसी है या फिर क्या सच्चाई है इसमें तो वो डिस्कशन था वो लास्ट क्लास में और उस पॉइंट पे बिजनेस में कैश फ्लो के बारे में एक बात हो रहा था जिसमें मोहितोष एक पॉइंट हमारे साथ शेयर किया था आई होप कि आप लोगों में से जो लोग किए हो उनको याद होगा कि मोहितो से एक पॉइंट शेयर कर रहा था कि गवर्नमेंट के तरफ से ट्वेंटी फाइव थाउजेंड करोड़ का लोन प्रोवाइड करे जा रहा है ठीक है मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड करोड़ का ओवरऑल एक आ, आ, बिजनेस में फाइनेंस करने के लिए बिल्डअप किया है कौन सेंट्रल गवर्नमेंट ओके सेंट्रल गवर्नमेंट 25000 करोड़ का एक फंड एलोकेट किया <coughs> तो चलो मैं जस्ट सबको कहानी बता रहा हूँ कि 25000 करोड़ फंड जो है ये बेसिकली एमएसएमई को देने के लिए एमएसएमई मींस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है ना माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मैं आपको बस एकदम हकीकत बता रहा हूँ ये चैप्टर मतलब किस तरह से एक बिजनेस को हेल्प कर सकता है और ओवरऑल स्टॉक मार्केट लेवल में भी पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो सकता है लेकिन मेन थीम है बिजनेस किनारे ओके अगर किसी को बिजनेस का फंडामेंटल लेवल में चेंजेस समझ में आ जाता है ना तो मार्केट लेवल में क्या होगा वो भी समझ में आ जाएगा ठीक है मतलब पहले तो बिजनेस बनेगा बाद में तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने आएगा येस और नो प्लीज टेल मी पहले बिजनेस बनेगा बाद में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने आएगा या फिर पहले इन्वेस्टर आ जाएगा बाद में बिजनेस बनेगा व्हाट डू यू थिंक Hello? क्या सबको आवाज आ रहा है मेरा यस दादा ओके मैं क्वेश्चन किया आप लोगों को कि पहले बिजनेस बनेगा उसके बाद इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने आएंगे या फिर पहले इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर देंगे फिर बाद में बिजनेस बनेगा नॉर्मली क्या होना चाहिए वो बिजनेस, पहले बिजनेस एक्जैक्टली exactly. पहले बिजनेस किसी ना किसी न किसी तरह से एक छोटा से छोटा हो बिजनेस को पहले डेवलप करना है आफ्टर दैट इन्वेस्टर विल अट्रैक्ट टू योर बिजनेस ऐसा नहीं कि मतलब खाली हवा हवा में तो कभी भी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट invest कभी नहीं कर सकता ओके okay. तो जो भी हो जो 25,000 करोड़ का फंड जो एमएसएमई के लोन देने के लिए बना है तो जैसे मोहित उसका जो इंडस्ट्रीज है जैसे आप लोग जो लोग उनका फ्रेंड हो थोड़ा बहुत पता है उन लोगों का लेदर इंडस्ट्री है बांतला में ठीक है ये लेदर इंडस्ट्री को भी फंडिंग मिला है तो मोहितोश को भी फंडिंग मिला है लेकिन मजा का बात यह है कि पहले जो लोन का कॉस्ट फिफ्टीन परसेंट सिक्सटीन परसेंट होता था ना अभी वही लोन का मतलब लोन कॉस्ट तो आप समझ रहे हो इंटरेस्ट का बात कर रहा हूं मैं पहले जो लोन का कॉस्ट पूरा आधा कर दिया पूरा आधा कर दिया मतलब पूरा एकदम स्लैश करके 50% के आसपास कम हो गया अभी यही लोन जो मिल रहा है मैक्स टू तो मैक्स 7 टू तो 8% इंटरेस्ट रेट में मिल रहा है तो जो बिजनेसमैन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है हैं मतलब बेसिकली ये क्या है दिस इज केसी है ना मतलब फंड मिलने का कॉस्ट क्या है सपोज तो एक ओवरऑल सबके लिए बना है अगर सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं सपोज मोहित तो उसके फार्म जो है उनको 20 लाख का लोन मिल रहा है ठीक है तो 20 लाख लोन जो मोहित तो उसके तो बिजनेस को मिल रहा है 20 लाख में पहले अगर वो 15% रिटर्न देता था इंटरेस्ट पेमेंट करता था अभी उसको 7 से 8% रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैपिटल का कॉस्ट देना पड़ेगा तो दिस तो इज अ बूस्टर फॉर द बिजनेस यस yes और नो no? ये बिजनेस को बूस्ट करेगा कि नहीं करेगा यस 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 डेफिनेटली बूस्ट करेगा तो ये जो ओवरऑल इकॉनमी में जो कैश का फ्लो बंद हो गया था फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कुछ हो रहा है ठीक है मतलब पहले ये सिर्फ कॉपी किताब में था हम लोग ये क्लास ये भी स्टॉक मार्केट में क्लास में डिस्कशंस किया था कि बिकॉज़ वहीं पर ये सब चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं लाइक like आत्मनिर्भर भारत का एक प्रोग्राम आया है आई uh, होप आप लोग मेरे से सुने होंगे आत्मनिर्भर भारत का हेलो हेलो आवाज आ yes रहा सर। सर। okay, हाँ है क्या बट यहाँ इतना स्कोप नहीं है तो फिर बाकी चीज नहीं बता पाऊंगा फिर भी जितना ओवरव्यू मैं आपको दे सकता हूँ आत्मनिर्भर भारत का जो प्रोग्राम रिसेंटली ये ग्लोबल पैंडेमिक के टाइम पे ही कोरोना कोरोना मूवमेंट में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया तो ये आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम में ये सब इनिशिएटिव लिया गया जिसमें करोड़ का जो भी पॉइंट्स है तो ये बिजनेस को एक इनिशिएटिव लेके बूस्ट किया जा रहा है ताकि फिर से बिजनेस बन पाए जो बिजनेस कत, मतलब एक तरह का एक बंद होने के कगार में पहुंचा है बंद होने जा रहा है कोई कोई तो बिजनेस बंद भी हो चुका है तो ये सिनारियों को फिर से बूस्टअप करने के लिए तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल

मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव अगर आपको मैं फिर से याद दिलाऊं तो ऑब्जेक्टिव आपको अभी याद हो जाएगा देखो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव देखो इसी वर्ड में ही छुपा हुआ है इस टॉपिक का मतलब तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव देखो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड कोई मुझे बोल सकते हो क्या है विद व्यू टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ़ कैपिटल थैंक यू थैंक यू विद व्यू टू मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना व्यू टू मिनिमाइज दॉ कैपिटल दैट इज के है ना एंड अनदर ऑब्जेक्टिव इज दैट डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड ये सब लिखा हुआ है ये सब मत लिखो मैं बस आपको कनेक्ट करा रहा हूं डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड जब से मैं लिखने बोलूंगा तब लिखना विद ए व्यू मैक्सिमाइज़ द रेट ऑफ रिटर्न थैंक यू थैंक यू टू मैक्सिमाइज़ द रेट ऑफ रिटर्न इसको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं आर ओके प्यार से कहते हैं आर और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है

फ्लो फ्रॉम एनी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स से अगर हमें अच्छे लेवल से एक कैपिटल का फ्लो मिलता है तो हम अच्छे लेवल में रिटर्न भी कमा सकते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू ओके चलो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एकदम अंदर का बात कर लेते हैं तो चलो पहले एक पॉइंट लिखो छोटा सा छोटा सा एक पॉइंट लिखो अब लिखना चालू करना प्लीज जैसे जैसे मैं बताता जाता हूँ आप लोग थोड़ा लिखते जाना हेडिंग करो तो करो फाइनेंसिंग डिसीजन डिसीजन लिख रहे हो ना प्लीज डिंकी ज्योति प्रीति मौसुमी लिख रहे हो आप लोग हाँ शुर। हाँ शुर। okay. ओके लिखो फाइनेंसिंग डिसीजंस फाइनेंसिंग डिसीजंस में नेक्स्ट पॉइंट में लिखो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स क्या लिखोगे प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स ओके फाइनेंसिंग डिसीजंस प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स नीचे लिखना There are four issues to be discussed here. First point. how do you compute the cost of a how do you compute the cost of a long term source of finance how do you compute the cost of a long term source of finance okay चार इश्यूज यहां डिस्कस करेंगे हम लोग फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा हाउ डू यू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ़ ए लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस ओके नाउ सेकेंड पॉइंट पॉइंट नंबर टू व्हाट इज ऑप्टिमम capital structure what is the optimum capital structure likhiyo what is the optimum capital structure that is that is Debt equity best debt equity ratio best debt equity ratio best debt equity ratio okay point number three लेवरेज कॉन्सेप्ट ऑफ लेवरेज ये एक चैप्टर है ठीक है ये क्या बहुत ही वाइटल चैप्टर है लेवरेज इसमें हम लोग चैप्टर में बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे फिलहाल मैं लेवरेज का मतलब इतना ही बता सकता हूं लेवरेज का मतलब होता है रिस्क बिजनेस रिस्क ठीक है तो बिजनेस रिस्क को कैसे कंट्रोल किया जाता है ये हमें लेवरेज चैप्टर सिखाएंगे वेरी अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट। फाइनेंस में लेवरेज पॉइंट नंबर फोर सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म

नोट शेयर करूंगा और उसका डिस्कशन क्लास में बाद में कर लूंगा ठीक है तो ये है वेरियस ऑफ फाइनेंस तो मेनली पॉइंट क्या था फाइनेंसिंग डिसीजंस फाइनेंसिंग डिसीजंस में हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में क्या डिस्कशंस किया प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब ये होता है कि कहाँ से हम पैसा जुगाड़ कर सकते हैं ठीक है तो मेनली ये प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स में चार इशूज होते हैं

Either अगर आप टाटा या रिलायंस हो ठीक है सपोज सपोजर चेयरमैन ऑफ टाटा मतलब आप इसका ओनर हो ओके चेयरमैन ऑफ टाटा और रिलायंस ऐसे कंपनीज में आप हो कोई भी कंपनी हो सकता है टाटा की कोई नॉर्मल एक्सवाई लिमिटेड भी हो सकता है ठीक है सभी के लिए इम्पोर्टेंस है, है. तो आपके लिए ये सिंपल सा पॉइंट कि क्या इंपॉर्टेंस ही रखता है एज ए चेयरमैन ऑफ टाटा आपके दिमाग में आ रहा है कि फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होना चाहिए तो आपके दिमाग में आ रहे प्रोक्योरमेंट प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड होना चाहिए तो चार इश्यूज आपके दिमाग में आना चाहिए ये सब एक-एक ठीक एक है source of finance? तो आप लॉन्ग टर्म लोन में loan आप आपका पहला क्वेश्चन लोन लेना है लॉन्ग टर्म लेना है या शॉर्ट टर्म लेना है तो ऑब्वियसली आप लॉन्ग टर्म में जाते हो बिकॉज लंबा बिजनेस को खींचना है तो लॉन्ग टर्म सोर्स में फायदा है शॉर्ट टर्म तो बहुत इमरजेंसी में लोग लेते हैं ठीक है या फिर किसी शॉर्ट टर्म बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं लेकिन शॉर्ट टर्म बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बिजनेस तो प्रॉपरली नहीं बनता एक बिजनेस बनाना है तो लॉन्ग टर्म सोच के लिए बनाना है तो आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होना चाहिए और उसका कॉस्ट क्या होना चाहिए

ओके okay. तो लेकिन लोन मतलब सर एक रिस्क पार्ट आ जाता है लोन में रिस्क है ना बिकॉज लोन में जो पैसा आपको मिलता है ये आपका नहीं है ये कोई आउटसाइडर्स आपको देते हैं ये आउटसाइड इक्विटी ठीक है ठीके? आउटसाइड इक्विटी को ही लोन कहते हैं दो होता है ना एक होता है ओन इक्विटी एक होता है

नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में कौन सोचते हैं ऑन दी बिहाफ ऑफ टाटा रिलायंस कौन सोचते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ टाटा आपको क्या करना है एज 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 चार्टर्ड ए ए क्या करना है 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 financing decisions लेना है ऑन द बिहाफ ऑफ दिस कंपनीज आपको फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग लेना लेना ना आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है कि कंपनी आगे जाएगा कि नहीं जाएगा कंपनी का डिसीजन कितना सही आप लेते हो इस पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा कंपनी का सीएफओ बन रहे हो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर

एज ए सीए एज ए सीएमए आपका क्या है आपका क्या इंपोर्टेंस है एज ए सीएज आपका क्या इंपोर्टेंस ही है एज ए सीएएफए ठीक है तो ये लोग क्या करते हैं मेहंदी ऑर्गेनाइजेशनस पे इनका बहुत बड़ा और डिप पे मतलब रिस्पांसिबिलिटीज होता है कि कंपनी को सही सोर्स से आ, पैसा उठाने का मौका मिले और उसका डिसीजन प्रोवाइड करें तो

इक्विटी का ला के कारण क्या क्या-क्या हुआ है? है नहीं यूज कर पाया तो का का हालत हो सकता है? देखो देखो आप 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 लोग कोई कंपनी का नाम बता सकते हो प्रॉपर डेप्ट इक्विटी चलो किंगफिशर वेरी गुड नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर डेफ इक्विटी जैसे कि काल का बात कर रहे हैं किंगफिशर एयरलाइंस है ना रिसेंट ट्रेंड में यस बैंक जी नेटवर्क रिलायंस कम्युनिकेशन रिसेंटली ये सब फेमस फेमस कुछ कंपनीज है

या फिर अभी भी हुआ नहीं कंप्लीशन क्या खबर है आप लोगों के पास क्या अपडेट है कंप्लीट न्यूज़ तो नहीं मिला इसका कंप्लीट न्यूज़ अभी तक नहीं मिला लेकिन इसका मार्केट में बात चल रहा है कि बिग बाजार जो है फ्यूचर रिटेल फ्यूचर रिटेल को रिलायंस ले सकता है बिकॉज़ बिग बाजार का जो ओनर है किशोर बियानी बहुत बिग मॉडल का बिजनेस तो बना दिया लेकिन मार्केट में डिप्ड बहुत ज्यादा हो गया और इसीलिए नहीं तो कोई अपना ओनरशिप थोड़ी ना छोड़ना चाहते हैं है ना कि जिसमें किशोर बियानी का फुल क, फुल ओनरशिप है ना उनका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि बिजनेस को प्रॉपर लेवल में डेवलप करने का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो बहुत ज्यादा डिप्ट हो चुका है तो बिग बाजार को रिलायंस ले सकता है ऐसा बात चल रहा है आगे देखते हैं क्या होता है लेकिन ये सारा का सारा खेल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का है क्या आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो कनेक्ट हो रहा है सर सर थैंक यू ओके चलो आगे का चर्चा करते हैं अच्छा ये सब जो मैंने बताया आपको मेनली लिखना चाहिए था यहाँ तक ठीक है आपका मेन बात होना चाहिए था ये वन टू एंड आफ्टर थ्री फोर बाकी चीज तो बस अंडरस्टैंडिंग पॉइंट था ये 1, 2, 3, आप लोगों ने लिख लिया ऑफ और बाकी चीज लिखने का जरूरत नहीं है ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग था ओके okay. तो वन टू थ्री फोर कॉन्सेप्ट ऑफ लेवरेज मैं आपको बता रहा था कि बिजनेस का रिस्क के बारे में बात कर रहा हूं मैं तो बिजनेस रिस्क लेवरेज चैप्टर्स में डिस्कशन करेंगे वही इक्विटी रेशियो लेके ही बात करता है बट वहाँ थोड़ा फाइनेंशियल सिस्टम अलग है ठीक है वो एक अलग इंजीनियरिंग है मतलब ये सब एक एक क्या है फाइनेंशियल इंजीनियरिंग है ठीक है कि किस तरह से देखो जैसे एक बिल्डिंग का इंजीनियरिंग होता है है ना एक बिल्डिंग का इंजीनियरिंग होता है जैसे एक बिल्डिंग जब बना जाता है तो बिल्डिंग में पिलर होते हैं होते हैं ना बिल्डिंग में पिलर होता है कहाँ पिलर कितना मोटा करना चाहिए हाँ कहाँ पिलर पिलर के ऊपर फिर घर बनाया जाता है होता है कि नहीं होता तो जब एक घर बनाया जाता है तो उस घर में कहा पिलर होना चाहिए कहा पिलर नहीं होना चाहिए तो ये एक जैसे एक, एक बिल्डिंग का इंजीनियरिंग होता है है ना कि किस तरह से दिशा से विंडोज होना चाहिए ठीक है आर्किटेक्ट जो होता है आज आज के डेट में अगर आप इंडिया में अगर कोई फेमस आर्कि मतलब साइंटिफिक सिटीज अगर आज के डेट में इंडिया में कोई है कोई बता सकते हो तो वास्तुशास्त्र जो होता है वास्तुशास्त्र जिसको फेंकसु भी कहते हैं वास्तु शास्त्र के हिसाब से एज पर आवर आवर इंडियन शास्त्र इसके ऊपर डिपेंड करके एक सिटी बिल्डअप है कौन सा सिटी बिल्डअप है एनी नया जो बन रहा है हैदराबाद से लोग वो नहीं सर ऑलरेडी बिल्डेड ऑलरेडी बिल्डअप हो चुका है मतलब काफी पुराना है मतलब मुंबई कोलकाता दिल्ली चेन्नई से भी पुराना है सिटी वाइज बात कर रहा हूँ कौन सा सिटी है जिसका वास्तुशास्त्र बहुत गजब का है और जहां आज के डेट में कोलकाता एक मॉडर्न सिटी था एक, एक टाइम पे लेकिन आज हालत खराब है मुंबई भी मुंबई को भी ब्रिटिश ने बहुत मॉडर्न वे में बिल्डअप किया था आफ्टर कोलकाता इवन बैंगलोर भी बाद में इंडियंस ने बनाया तो थोड़ा बहुत तो आज बैंगलोर भी एक बहुत मॉडर्न सिटीज है लेकिन फिर भी ऐसा मॉडर्न वास्तु और किसी ने बिल्डअप नहीं कर, कर पाया मैं कौन सा सिटी का बात कर रहा हूँ तो पुणे नहीं सर जयपुर जयपुर राजस्थान यहाँ पर जो आर्किटेक्ट है यहाँ जिस सिस्टम से पूरा बिल्डिंग्स को बनाया गया है ठीक है ये, ये दिस इज द लास्ट सिटी इन इंडिया जो इंडियन पैटर्न में बनाया गया उसके बाद जो भी सिटी बना है वो सब वेस्टर्न वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में बनाया है ठीक है लेकिन जैसे कोलकाता उसमें सबसे फेमस बना बताया जाता था कि कोलकाता अभी का कोलकाता छोड़ो अभी का कोलकाता क्या है लेकिन फ्रॉम सेवनटीन हंड्रेड से लेके अप टू नाइनटीन तक कोलकाता इंडिया में सबसे मॉडर्न सिटी कहलाता था लेकिन वो कोलकाता का क्या हालत हुआ देखो लेकिन आज भी जयपुर का जयपुर जयपुर बना था 1500 के आसपास के टाइम पे पंद्रह सो में तो 1500 के आसपास में जयपुर बना था लेकिन आज 2020 है आज भी हम लोग जयपुर देखने के लिए पागल होते हैं जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के साथ जयपुर को बिल्डअप किया गया था उस टाइम पे उन वहां का जो भी राजा लोग थे जो आर्किटेक्ट को यूज किया था वो आज भी देखने लायक है है ना आज भी लोग जयपुर विजिट करते हैं और बिल्डिंग्स को आंख बद के और क्या फॉरेन विजिटर्स आते हैं फॉर सोच सकते हो आप लोग तो एग्जैक्टली exactly, मतलब जितना अच्छा आपका इंजीनियरिंग होगा चाहे वो बिल्डिंग के लिए हो या बिजनेस के लिए ठीक है उतना अच्छा बड़ा आपका बिजनेस आगे बढ़ सकता है ठीक है समझ में आ रहा है ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस टाइप्स हैं

डेप्ट इक्विटी में अगर बात करें तो आज तक ये इसका बिजनेस मॉडल इसको सपोर्ट करता है लेकिन ये मतलब इसका डेप्ट फ्री कंपनी है स्टील लेकिन अभी करीब वन बिलियन डॉलर का कंपनी बन चुका है कैन यू इमेजिन वन बिलियन डॉलर कंपनी बन चुका है लेकिन स्टील डेप्ट नहीं है इसका कुछ भी डेप्ट आज तक नहीं लिया इसको कहते हैं इस तरह का कंपनी को कहते हैं एक नाम होता है नाम एक मिनट होल्ड करना मेरे घर पे एक एक बहुत खतरनाक कीड़ा आ चुका है मुझे उसको मारना है जस्ट हाँ हेलो सॉरी वो क्या बोलते उसको येलो कलर का होता है ना वो बोलता बोलते हम उसको एक तरह का काटता है तो पूरा एकदम जला देता है वो वाला मेरे घर के अंदर कहाँ से आ गया और निकल नहीं पा रहा था छोड़ो काले एक बहुत बड़ा सांप भी निकला था बाप बापरे कहा से आ जाता है आवाज आ रहा है ना मेरा सबको हाँ सर ओके ठीक है तो जो भी ओ, एक है का भी एक नाम ले सकते आप जो एडुकेशनल टेक्नोलॉजी में स्पेशली एडुटेक कंपनी है ये भी गजब का मॉडल फॉलो कर रहा है ये तो करीब अभी मतलब हंड्रेड बिलियन डॉलर का कंपनी बन चुका है बहुत गजब का कंपनी बना है इसका भी मॉडल बहुत गजब का है स्टील बहुत ज्यादा किया है तो बिजनेस मॉडल पे डिपेंड करता है कि आप क्या किस तरह का मॉडल ले सकते हो और उसको भी कर सकते हो। आज जर्सी पहनते हैं उस पर बाइजू लिखा रहता है आप देखना ये भी बहुत अच्छा आगे आ रहा है तो डिपेंडिंग ऑन स्पॉन्सरशि कौन बाइजू बाइजू को मिल सकता है पतंजलि गया है किंतु फ्रंट रनर होते बाईजो हाँ अमेजन हाँ ड्रीम इलेवन मुझे लगता है अमेजन को मिलेगा ऐसा फीलिंग आ रहा है लेकिन हो सकता है क्योंकि बाईजो ऑलरेडी इंडियन बीसीसीआई के साथ है तो हो सकता है उसको भी मिल जाए बाईजो है अमेजन में है मुझे नहीं लगता ड्रीम इलेवन ले पाएगा बोल के देखो क्या होता है बट अमेजन का भी बहुत बड़ा चांसेस है तो अल्टीमेटली भीवो को हटना ही पड़ा वाह चलो जो भी हो ये पॉलिटिकल वर्क भी एक गजब का चीज है तो चलो आगे बात बढ़ाते हैं नेक्स्ट चलो तो ये जो था फाइनेंसिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स में कुछ अलग पॉइंट्स जिसमें अलग अलग चैप्टर्स में बात होगा लेकिन फिलहाल आप लोग हेडिंग करो नाउ अभी एकदम मेन पॉइंट पे पहुंचते हैं सर हेडिंग कर लो सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैं इसीलिए धीरे धीरे जा रहा हूं ताकि मैं चाहता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हेडिंग करके नाउ चलो लिखो मीनिंग एंड कंप्यूटेशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे लिखो मीनिंग एंड कंप्यूटेशन मीनिंग एंड कंप्यूटेशन मीनिंग एंड पे लिखो कैपिटल रेफर्स टू Capital refers to, Lichna, please. Capital refers to the long term source of finance. Okay. Capital refers to the long term source of finance. इसमें क्या क्या सोर्स हो सकता है आपको मेन मेन क्या है इक्विटी फंड ऐसे तो और भी बहुत सारा हम ले सकते हैं लेकिन मेन मेन जो है उसी का बात करूंगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में इक्विटी फंड प्रेफ कैपिटल मतलब बाकी जो भी होता है इसी का बाइफरकेशन होता है लेकिन मतलब इसी से बाकी आगे निकलता है लेकिन मेन नहीं है इक्विटी फंड होता हो सकता है प्रेफ कैपिटल मतलब प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं है, है ना ये वर्ड आप लोग अकाउंट्स करते वक्त बचपन से सुन के आ रहे हो इक्विटी फंड हो सकता है प्रेफरेंस कैपिटल हो सकते हैं टर्म लोन हो सकते हैं है ना जो मेनली बैंक से लिया जाता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को दे सकता है या फिर कोई इंडिविजुअल्स भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं एंड अनदर थिंग इज बॉन्ड ओके बॉन्ड तो

बिकॉज इसका कोई फिक्स रेट नहीं होता फिर भी प्रेफरेंस के अंदर हाइब्रिड पैटर्न है तो लिख लो कि प्रेफरेंस में प्रेफरेंस जो होता है ना इसमें थोड़ा बहुत डेप्ट का कल्चर होता है और थोड़ा सा इक्विटी का कल्चर होता है इक्विटी कल्चर एंड डेप्ट कल्चर मिला जुला के प्रेफरेंस कैपिटल बनते हैं ओके okay? तो इस पर लिख दो प्रेफरेंस कैपिटल में लिख लो एक पॉइंट हाइब्रिड एज इट पॉजेस अ फीचर ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी हाइब्रिड एज इट पॉजेस फीचर्स ऑफ डेफ्ट एंड इक्विटी क्या आप लोगों ने लिखा mm -hmm. ओके okay. सबका हो गया यहां तक हां सर ओके ठीक है सर ठीक है अब तो हो ही गया होगा तो ये हम लोगों ने देख लिया कि मेनली मेन जो फांस मतलब फाइनेंस करने का बिजनेस में सोर्स है उसमें इक्विटी होता है प्रेफरेंस होता है टर्म लोन हो सकता है बॉन्ड हो सकता है इसमें टर्म लोन एंड बॉन्ड जो है ये डेप्ट का पार्ट है और ये डेप्टी मेनली केसी में हम लोगों को ज्यादा फोकस करना है प्रेफरेंस कैपिटल इक्विटी का भी बात यहाँ होगा लेकिन मेन फोकस पॉइंट आप लोग देखना यहाँ पे टर्म लोन एंड बॉन्ड इज द मेन फोकस पॉइंट ठीक है बिकॉज उसी में कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज्यादा फोकस ओरिएंटेड है ओके okay, नेक्स्ट For the purpose of convenience, for the purpose of convenience, let us presently. उट जस्ट इक्विटी एंड डिप्ट मतलब ताकि हम लोग थोड़ा इजिली इसको अंडरस्टैंड कर पाए बिकॉज uh, अभी सिर्फ फोकस करेंगे इक्विटी एंड डेप्ट ठीक है फिर धीरे धीरे बाकी पॉइंट पे भी बातें होंगे लेकिन मेनली कर फोकस करेंगे इक्विटी एंड डेप्ट तो चलो एक सिचुएशन फॉर्म करते हैं ओके okay? कंसिडर

टू बाई वन दैट मीन टू परसेंट मतलब अगर टोटल जितना भी है उसमें टोटल टू है डेप्ट का पार्ट एंड वन है इक्विटी का पार्ट और क्या है सिचुएशंस में हम लोग ला सकते हैं two is to one छोड़ के कॉस्ट ऑफ डेप्टवल्स टू ट्वेल्व परसेंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू फिफ्टीन परसेंट टैक्स रेट इक्वल्स टू थर्टी परसेंट ओके कॉस्ट ऑफ डेप ट्वेल्व परसेंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी फिफ्टीन परसेंट एंड टैक्स रेट इक्वल्स टू थर्टी परसेंट तो कैलकुलेट क्वेश्चन क्या है कैलकुलेट W A C C पूरा नाम होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहां से हमें यह कैलकुलेट करके बाहर निकलना है ठीक है लेकिन आप लोग कुछ मत करोगे बाद में बहुत सम्स होगा तब आप लोग करना लेकिन फिलहाल आप पूरा का पूरा कंसेंट्रेशन करो अंडरस्टैंडिंग में ठीक है पूरा फोकस आप अंडरस्टैंडिंग में रखो कुछ इधर उधर का बातें होंगे आप लोग ध्यान से देखते रहियो नेक्स्ट अभी आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है अभी सिर्फ मैं करूंगा नेक्स्ट तो सिंस लिखो नीचे जहां मैंने टैक्स रेट लिखा ना उसके नीचे जस्ट लिखना since, ये एक प्रोजेक्ट के टाइप में मैं कर रहा हूं डेब्ट इज टैक्स डिडक्टिबल सिंस डेब्ट इज टैक्स डिडक्टिबल इट जेनरेट्स इट जेनरेट्स जेनरेट करता है शील्ड होता है ना सर मतलब जो शील्ड कर देता है ओके ढाल शील्ड का मतलब है यहाँ पर ढाल हम लोग वो ढाल और तलवार लेके लड़ाई करते हैं यू ऑल नो तो ये ढाल है तो कैसे ये टैक्स के लिए ढाल है ये आपको मैं आगे बताता हूं Since debt is tax deductible here, so post-tax cost of debt, post-tax cost of debt equals to interest rate. I'm short, Interest rate into one minus t, t for tax. Okay. t for tax interest rate into 1 minus t तो जब आप कुछ ऐसा हो जाएगा आप लोग मुझे बताना जो कैलकुलेशंस में इंटरेस्ट रेट कितना है क्वेश्चंस में इंटरेस्ट रेट कितना है दैट मींस कॉस्ट ऑफ डेट में इंटरेस्ट रेट कितना है 12% 12% तो हमें यहां क्या लिखना चाहिए 12% ओके okay? तो हम यहां पर लिखेंगे 12 1 minus t 1 इज द टोटल अमाउंट जैसे कि आप लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग एंड एनविटी करते करते शायद ये सीख ही गए होंगे कि ये वन का मतलब क्या है कि अगर टोटल अमाउंट को हम लोग वन मान के चलते हैं तो वन से हमें टैक्स को लेस करना है तो वन माइनस टी मतलब वन माइनस टैक्स इज थर्टी परसेंट है तो अल्टीमेटली वन माइनस पॉइंट थ्री ओके 30 परसेंट मतलब पॉइंट तो टोटल अगर वन है तो अगर हम वन कमाते हैं वन का मतलब क्या हुआ इफ वी अर्न वन इफ वी अर्न टैक्स टू गवर्नमेंट इक्वल टू पॉइंट थ्री जीरो थर्टी पैसा है ना थर्टी परसेंट टैक्स का यही मतलब है कि अगर हम एक रुपीस वन रुपीज कमाते हैं तो सरकार के घर में तीस पैसा जमा करना पड़ेगा ओके तो इसी पॉइंट पे ध्यान देते हुए ये रफ था ओके दिस इज अ रफ पॉइंट तो one, one minus point three, तो आप लोगों को क्या करना 12 into point seven करना चाहिए चाहिए अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर ऐसा करने का जरूरत कहां पड़ा यहाँ पर तो टैक्स रेट था लेकिन कहीं पर तो ये नहीं बोला गया था कि हमें पोस्ट टैक्स के कैलकुलेट करना है लेकिन फिर भी हम लोगों ने पोस्ट टैक्स के कैलकुलेट किया यहाँ पर कहीं बोला नहीं था हमको सिर्फ डायरेक्ट पूछा गया था कि हैव टू कैलकुलेट ये मिस्टेक्स बहुत बार स्टूडेंट्स करते हैं वो लगता है है कि डायरेक्ट जो भी अमाउंट उसी के थ्रू से मैं कैलकुलेट करके आ जाऊंगा बट एक्चुअली स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता वो मैक्सिमम केस में भूल जाते हैं कि उसको पोस्ट पोस्टैक्स केड़ी कैलकुलेट करना है क्यों क्यों में आते हैं क्यों में आते हैं जस्ट होल्ड क्यों करना पड़ता है उसमें हम जस्ट कुछ मिनट बाद ही बात करेंगे लेकिन पहले आप लोग मुझे बताओ क्या ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट अगर ना भी आया तो नो मैटर कॉन्सेप्ट में अभी, अभी बात करता हूं. आ, okay, तो हम लोगों ने यहां पर पोस्टैक्स केडी ठीक है पोस्टैक्स के डी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया दैट इज एट पॉइंट फोर देर फोर देयर फोर अभी बहुत कुछ बाकी है तो लिखो

आप लोग जैसे जैसे लिख रहा हूँ एग्जाम परपस में ऐसा ही लिखना रिप्रेजेंट बाई के सी इज गिवेन बाई गिवेन बाई केसी इक्वल्स टू आप ऐसा शॉर्ट में अभी करो बाद में फॉर्मेट वाइज भी सिखा दूंगा डब्ल्यू डी इंटू के डी प्लस डब्लू इंटू के दिस इज ऑल्सो ओके ठीक है बट एक होता है प्रेजेंटेशन टाइप में मैं अब उसको बाद में सिखाता हूं इसी पॉइंट को हम प्रेजेंट करके भी कर सकते हैं जब सम्स करेंगे, मतलब uh, करेंगे चैप्टर वो भी बता देंगे आपको काम में आता होगा तो डब्ल्यू डी इंटू के डी आप लोग मुझे बता सकते हो इस टोटल मतलब जो सम से हमारा इस पे डेप्ड का वेट कितना होगा क्या कोई मुझे बता सकता है डेप्ड का वेट कितना होगा डब्लू डी क्या कितना होना चाहिए एनी वन प्लीज डब्ल्यू डी क्या होना चाहिए वेट ऑफ डेप्ट कितना होगा कोई तो बताए कोई तो बताए मुझे वेट डेप्ट क्या होना चाहिए थैंक यू वेट ऑफ डेप्ट टू बाई थ्री होना चाहिए वेट ऑफ इक्विटी क्या होना चाहिए टू बाई वन दे तो रखा है <laughs> नहीं रे बाबा देख, इक्विटी, क्या बोल के रखा? इक्विटी इसी तरह से निकाला जाता है तो टू इज टू वन आपके गिवेन है अगर गिवेन नहीं होगा तो कैसे कैलकुलेट करना होगा वो तो बाकी पे समझ जाएंगे नॉर्मली गिवेन रहता है तो इफ यू नो अगर गिवेन नहीं है तो उसको कैलकुलेट करके बाहर निकालना पड़ता है तो रेशियो अगर टू बाई वन है तो टोटल में मतलब टोटल जो आपका सिचुएशन है उसमें आपका डेप्ट का वेट कितना है टोटल है आपका टू बाई वन का मतलब क्या टू मतलब टू प्लस वन मतलब टोटल है थ्री तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि टोटल थ्री है, है? है बोलो कोई कुछ कह रहा है वन बाई थ्री हो जाएगा फिर थैंक यू ये वन बाई थ्री होगा टू तो तो बाई वन मतलब टोटल टो अगर टू बाई वन है टू बाई वन है तो रेशियो को सॉल्व अगर करेंगे तो डेप्ट का वेट हो जाएगा टू बाई थ्री और इक्विटी का वेट हो जाएगा वन बाई थ्री ठीक है ये हो जाएगा टू बाई थ्री ये हो जाएगा वन बाई थ्री इक्विटी नीचे वन है टोटल तीन मान लेंगे ठीक है टू प्लस वन सिस्टम ऐसा ही होता है टोटल वन मान ले थ्री मान लेंगे टू प्लस वन करके और टोटल थ्री में से डेप्ट है दो भाग और टोटल थ्री में से इक्विटी है एक भाग टोटल तीन अगर टोटल कैपिटल है तो टोटल तीन कैपिटल में टेप का है दो, और इक्विटी का है 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 और कितना होगा? देखो में तो तो क्या करेंगे? इसको 12 करेंगे? Thank you. इसको करेंगे। इसको इसको तभी हम लोगों ने किया, है ना? क्यों किया वो अभी तक मैंने राज रखा जस्ट मिनट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना करेंगे ये जो गिवेन था फिफ्टीन ये जो गिवेन था वही है फिफ्टीन तो इसको सॉल्व करो क्या जवाब आता है आंसर क्या आएगा आंसर क्या आएगा टेन पॉइंट सिक्स वेरी गुड तो आपका आंसर आ जाएगा मुझे प्लीज एक बार बता दो तो क्लियर है नहीं की नहीं फिर में बात करेंगे प्लीज टेल मी क्या सबको कैलकुलेशन क्लियर है मतलब 2 3 Q, को है, वो तो बाद में बताते हैं लेकिन ये तो आपका सिस्टम कैलकुलेट करने, करने का ही नियम है average, इसी तरह से निकाला जाता है वेरी वाइटल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट ठीक है डब्ल्यू डी इंटू के डी प्लस डब्ल्यू इंटू के ई इसी तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं जब थोड़ा बड़ा होगा तो उसमें थोड़ा ब्रॉडर ब्रॉडर सेंस में क्या होता है वो तो आगे आगे बताएंगे लेकिन कॉन्सेप्ट आपका यही है तो टेन पॉइंट सिक्स परसेंट आपका आंसर हुआ डब्ल्यू एस सी सी का तो इसको अगर हम सिंपल बोले तो मतलब यही है कि अगर करेंटली आपका जो भी सिचुएशन है कैपिटल का उसमें आपका वेटेड कॉस्ट कैपिटल उठाने का मार्केट का कैपिटल कॉस्ट है दस टेन पॉइंट सिक्स परसेंट मतलब अगर आप सौ रुपया मार्केट से उठाते हो टोटल तो चाहे डेब्ट से उठाओ चाहे कैपिटल से उठाओ तो अल्टीमेटली आपको टेन पॉइंट सिक्स रुपीज वापस करना पड़ेगा किसको जहां से कैपिटल ले रहे हो है ना चाहे वो लोन से ले, डेब्ट से लिया तो डेब्ट के लिए इक्विटी से लिया तो इक्विटी के लिए लेकिन ओवरऑल आपका करंट करंट जो है, इन द सिनारियो आपको अगर आप मार्केट से हंड्रेड रुपीज उठाते हो पे बैक टेन पॉइंट सिक्स परसेंट टू दी मतलब लोन प्रोवाइडर और जो भी आपको कैपिटल प्रोवाइड किया है दिस इज द नॉर्मल मीनिंग ऑफ दिस डब्ल्यू क्लियर है ना कि हमें पता तो होना चाहिए कि हम मार्केट से जितना पैसा उठा रहे हैं उसका मुझे खर्चा क्या पड़ रहा है तो ये खर्चा क्या पड़ रहा है उसका हिसाब था ओके okay. तो अब यहां पर एक क्वेश्चंस को लेके मैं पहले डील करूंगा फिर मैं कंक्लूजन में आऊंगा पहले मैं क्वेश्चन का डील कर लेता हूं कि सर यहां पर हमने टैक्स केडी में क्यों बात किया okay. means, तो था क्वेश्चन में ट्वेल्व तो फिर अलग से पोस्ट टैक्स केडी कैलकुलेट करने का क्या जरूरत पड़ गया क्वेश्चन में गिवेन क्या था कॉस्ट ऑफ टेप था ट्वेल्व परसेंट है ना ये क्वेश्चन में गिवेन था तो ट्वेल्व परसेंट के डी था तो हम इसको कन्वर्ट क्यों किए वाई वाई कन्वर्ट टू पोस्ट के डी तो ट्वेल्व परसेंट इक्विटी को तो कुछ नहीं किया इसको तो टच ही नहीं किया ना इसको कुछ चेंजेस नहीं किया जैसा था वैसा ही रखा लेकिन हम ट्वेल्व को कन्वर्ट करके क्यों किये? क्या मन में ये सवाल आ रहा है किसी का क्या किसी के मन में ऐसा सवाल आ रहा है कि सर आपने इक्विटी को तो कुछ नहीं किया फिर डेप्ट को क्यों आप ट्वेल्व से क्योंकि सर ये टैक्स शील्ड जनरेट करता है है ना अब क्यों ये टैक्स शील्ड जनरेट करता है कैसे टैक्स शील्ड जनरेट करता है इसका हिसाब आप एक बार प्लीज देखो कि क्यों ऐसा हमें करना पड़ा और हमें करना पड़ा नहीं मतलब आपको भी करना चाहिए इसमें मेन पॉइंट ऑफ व्यू है लेवरेज का ठीक है इसमें मेन जो कहानी पूरा हुआ है ये लेवरेज का है लेकिन फिर भी देखो सर आपके पास क्या गिवेन है ये रफ है आप चाहे तो लिख सकते हो बट नॉट नेसेसरी जरूरी नहीं है ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग लेकिन कोई चाहे तो लिख भी सकता है केसी आपका कॉस्ट ऑफ सॉरी केसी बोल दिया मैंने देखो ध्यान से देख लेना एक बार और कभी मत भूलना और एग्जाम में जब सम्स आएगा ना तो ध्यान से कीजिएगा कॉस्ट ऑफ डेप्ट आपका क्या है ट्वेल्व परसेंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका क्या है फिफ्टीन परसेंट ओके डेफ्ट बारह परसेंट है ये फिफ्टीन परसेंट है एक्चुअली यहां पर जो इक्विटी है ये आफ्टर टैक्स आइटम है और ये जो है ना ये बिफोर टैक्स आइटम है तो एक आइटम बिफोर टैक्स का एक आइटम आफ्टर टैक्स का दोनों को आप कैसे कैलकुलेट कर लोगे वो बचपन में आवर और सेकेंड का क्वेश्चन करते थे ना आवर मिनट्स, सेकेंड करते थे कि नहीं करते थे याद है आप लोगों को जब आप लोग आवर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते थे अगर पूरा का पूरा आवर में करना है तो आप मिनिट्स को आवर में चेंज करते थे या सेकेंड्स को मिनट्स में चेंज करते थे फिर एक ही यूनिट पे सॉल्व होना चाहिए ना जो भी यूनिट से आप सॉल्व करेंगे यूनिट सिमिलर होना जरूरी है ना अदरवाइज जब आप कंपेयर किसी भी चीज को करते हो जब आप किसी भी चीज पे कंपेरिजन बनाते हो तो दोनों सिमिलर चीज पे ही ना कंपेयर करते हो। सिमिलर यूनिट पे ही तो कंपेयर होना चाहिए दो डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर पे कैसे कंपेयर करोगे एक फुटबॉलर और क्रिकेटर का कंपेरिजन हो सकता है क्या क्रिश्चियना रोनाल्डो के साथ सचिन तेंदुलकर का कंपेयर कर सकते हैं क्या no, क्या सचिन तेंदुलकर के साथ जाहिर खान का कंपेयर कर सकते हैं नहीं दोनों क्रिकेटर भी नहीं हो सकता क्योंकि एक बॉलर है दूसरा बैट्समैन है तो एक बॉलर के साथ एक बैट्समैन का कंपैरिजन नहीं हो सकता एक फुटबॉलर के साथ एक क्रिकेटर का तो हो ही नहीं सकता तो हमारे पास जब भी इस तरह का कंडीशन होते हैं तो हमें ऑलवेज कंपेरिजन करना चाहिए उसको सिमिलर पैटर्न में कन्वर्ट करके अगर जाहिर खान को हम एज ए बैट्समैन कभी कन्वर्ट कर बैट्समैन कि चलो जाहिर खान का बैटिंग एवरेज देखते हैं कि वो कितना चार मारे कितना जोर से छक्का मारता है फिर भी कहीं कही ना कहीं हम थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं चलो सचिन के साथ जब कंपेयर करेंगे तो जाहिर खान का बैटिंग सिस्टम एक बार देख लेते हैं तो जाहिर खान को एज ए बोलर से बैटिंग में कन्वर्ट करके फिर सचिन के साथ जाहिर का कंपैरिजन थोड़ा बहुत जरूर चल सकता है ये सर नो प्लीज चल में क्या ये बात समझ में आ रहा है सर तो सिमिलर वे में सिमिलर पैटर्न पे जब हम लोग

बिफोर टैक्स आइटम एंड वाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज अफ्टर टैक्स पहले इसका जवाब देना जरूरी है इसके लिए इनकम स्टेटमेंट बताता हूँ किसी भी बिजनेस का हार्ट है ठीक है इसको मैं पोएट्री बोलता हूं क्या बोलता हूं इसको मैं पोएट्री बिजनेस का पोएट्री एक चीज मुझे बता सकते हो कि कोई भी बिजनेस चल रहा है कोई भी बिजनेस चल रहा है इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है कोई भी बिजनेस चल रहा है मतलब गोइंग कंसर्न ओके गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट याद है बचपन में पढ़े थे आप लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल्स कोई ऑर्गेनाइजेशन गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल्स पे चल रहा है इसका प्रूफ क्या है एनी बडी कॉमन सेंस ही हाँ बोलो प्रॉफिट कर रहा है अर्निंग कर रहा है क्या कर रहा है प्रॉफिट कर रहा है प्रॉफिट अर्निंग रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो चल रहा है हाँ तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए क्या करना चाहिए नहीं तो परचेज सेल थैंक यू ना सेल 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 बोलो ना अगर किसी को रेवेन्यू जनरेट करना है तो उसको सेल्स करना है है ना तो बिजनेस गोइंग कंसर्न है में सबसे पहले क्या होना चाहिए फिर सेल्स से हमें क्या लेस करना चाहिए वेरिएबल कॉस्ट इनकम स्टेटमेंट कैलकुलेट कर रहे बाबा सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट चला जाता है तो हम डे टू डे प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं

EBIT. इसको और डिटेल्स में भी बोल सकते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बट हम यहाँ पर को जान बुझ के थोड़ा स्कीप कर रहा है ताकि आपको मैं उधर ना लेके जाऊन कॉन्सेप्ट लेना नहीं चाहता तो ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पर तो मैं यहां पर डेप्रिशिएशन फ्री फाइनास बना रहा हूँ जो ऑलवेज पॉसिबल नहीं है इन मैक्सिम केसेज डेप्रिशिएजर तो कॉन्ट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट चला गया आपका क्या रहता है EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अब मुझे बताओ सबसे पहले ईबीआईटी से क्या देना चाहिए आपको ईबीआईटी से क्या जाएगा सबसे पहले इंटरेस्ट जाएगा या टैक्स जाएगा इंटरेस्ट इंटरेस्ट जाएगा दिस इज योर दिस इज योर फर्स्ट प्रॉफिट ये प्रॉफिट का पहला पड़ाव है बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है वही प्रॉफिट का ही दूसरा नाम है ईबीआईटी प्रॉफिट का बहुत नाम होता है जैसे भगवान कृष्ण जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है आज भी कल भी था आज भी है कल वृंदावन में हुआ है आज पुरी में है जगन्नाथ में है इस्कॉन में भी है तो घर घर में भी हो रहा है तो जैसे भगवान श्री कृष्ण का हम लोग बोलते हैं एक नाम है ऐसा प्रॉफिट का भी ना बहुत सारा नाम है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉफिट में ईबीआईटी हो सकता है प्रॉफिट बोल सकते हैं रेवेन्यू बोल सकते हैं ईबीडीआईटी बी भी बोल सकते हैं पैड बोलते हैं नो पैड बोलते हैं बहुत सारा नाम है प्रॉफिट का लेकिन प्राइमरी स्टेज ऑफ प्रॉफिट वेरी प्राइमरी स्टेज ऑफ प्रॉफिट जैसे ही आपका बिजनेस में प्राइमरीट होता है इससे सबसे पहले आप ने कहा देते हैं. तो इंटरेस्ट किस चीज का, का होता है मतलब लोन का होता है है ना तो आपका इंटरेस्ट आप ईवीआईटी से दे दो क्या बचेगा PBT बचेगा है ना प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ओके जो पीबीटी है पीबीटी से आपको क्या देना चाहिए टैक्स देना चाहिए tax. तो आपका क्या होता है क्या बचता है आपका पैड बचता है आपका वेरी गुड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका जो होगा वहां से आपको क्या करना चाहिए शेयर

ये जो अर्निंग अर्निंग फॉर फॉर इक्विटी इक्विटी आपका आता है इस इक्विटी को अगर आप कंपनी का नंबर ऑफ शेयर होल्डर से नंबर ऑफ शेयर होल्डर से अगर आप डिवाइड करते हो तो आपका ईपीएस आता है अर्निंग पर शेयर मनी कंट्रोल में अगर जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो मनी कंट्रोल में आपको हर एक कंपनी का ईपीएस आप लोग फाइंड आउट करोगे अगर आप मनी कंट्रोल में जाके की भी 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 कंपनी 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 का कोई भी जो भी आपको पसंद है जो भी कंपनी में आप शेयर इन्वेस्ट करना चाहते हो आप वहां देखना उसका ईपीएस वहां पर कैलकुलेट करके रखा होता है तो बेसिकली पर शेयर का अर्निंग वहां होता है तो ये पर शेयर का जो अर्निंग है उससे पता चलता है कि अगर शेयर वाइज अर्निंग पॉजिटिव है तो हम कंपनी के प्रति एक बुलिश पैटर्न ले सकते हैं तो इट्स इट्स ये जो हम अभी बात कर रहे हैं आपसे ये फंडामेंटल एनालिसिस है शेयर मार्केट लेवल में और अगर हम बिजनेस में तो ये का है। तो ये तरह से आप कर सकते हो, है ना? तो अब मुझे बताओ कि ये जो इक्विटी का कॉन्सेप्ट है अर्निंग फॉर इक्विटी जो मैं आपको बताया मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी अर्निंग फॉर इक्विटी मतलब के नजर से, आप अपने को जो दोगे ठीक है बिजनेस के लिए वो उसका क्या है कॉस्ट है बिजनेस अपने इक्विटी शेयर होल्डर को जो भी रिटर्न देगा वो बिजनेस के लिए कॉस्ट ही तो है तो वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है तो देखो हम लोगों का टैक्स टैक्स था तो ये आफ्टर आइटम है लेकिन देखो ईबीआईटी से इंटरेस्ट आप पहले दे दिए ये बिफोर टैक्स आइटम है हो सके तो लिख के भी रख सकते हो आप लोग ठीक है बाद में फिर से जब होगा फिर लिख लेना लेकिन ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पोइट्री है इनकम स्टेटमेंट जिसमें आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है तो मैं आपको ऑब्वियसली रिकमेंड करूंगा प्लीज रीड दिस और राइट दिस ओके क्या आप लोगों ने लिख लिया सर ओके वेरी गुड अगर लिखे हो तो बहुत अच्छा किए हो तो आपको समझ में आया बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया तो क्यों हम लोग यहाँ पर पोस्ट टैक्स केडी कैलकुलेट किया था अब समझ में आ रहा है जैसे ही हमें केडी मिल गया था और टैक्स था वहां पर तो हमने फटाफट किस तरह से हम लोगों ने पोस्ट टैक्स के डी कैलकुलेट करनी आप लोगों ने देखा बिकॉज ये जब भी टैक्स रहेगा ना और अगर वो पोस्ट टैक्स के डी डायरेक्टली बोला नहीं अगर आपको मानो कि बोल के रखा ये पोस्ट टैक्स के डी है फिर भी टैक्स दे के रखा है तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा अगर देख लेना कि कॉस्ट ऑफ डेफ्ट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है या बिफोर टैक्स दिया हुआ है अगर आफ्टर टैक्स दिया हुआ है देन नो नीड टू कैलकुलेशंस ठीक है लेकिन अगर वो कुछ नहीं बोला है तो आप मान लेना assumptions आपका ही होना चाहिए कि ये बिफोर टैक्स ही दिया हुआ है फिर आपको उसको आफ्टर टैक्स पे कन्वर्ट करके फिर जाके आपको ये कैलकुलेट करना चाहिए तो प्लीज चल मी यहां तक का टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर है यस और नो यस सर सबको क्लियर है लिंकी शैकत रोशनी ज्योति क्लियर ना सर सर ओके देखो सर बहुत एक एक छोटा छोटा पॉइंट है भूलना नहीं चाहिए प्लीज मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करूंगा इस तरह का सिले मिस्टेक एकदम नहीं करना सर ठीक है ओके okay. अब ये जो टेन पॉइंट सिक्स परसेंट हम लोगों ने कैलकुलेट कर चुका अब आगे का खेल देखो आपका नॉर्मल नोट्स में ये इतना तक होना चाहिए आफ्टर दैट ये यहां तक के बाद आपका जो नॉर्मल नोट्स है उसके नीचे आपको अभी लिखना चाहिए कंक्लूजन ठीक है तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या कंक्लूजन लेके आगे बढ़ेंगे तो क्या क्या कंक्लूजन हम लोग यहाँ से ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं आप लोग एक बार मेरे साथ साथ लिख लो तो फर्स्ट बुलेट पहला बुलेट से आप लोग लिख लो सर ये 10.6 क्या है वॉट इज दिस टेन पॉइंट सिक्स इट इज दी लिखो प्लीज इट इज द रेट ऑफ रिटर्न दैट फॉर्म मस्ट अर्न

तो इतना रिटर्न इट इज टू मेंटेन इट्स मार्केट वैल्यू मार्केट में तो मार्केट में इसका बिजनेस करंट सिनेरियो है जो भी उसका करंट मार्केट इक्विटी रेशियोज है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उसको बिजनेस को मार्केट में सर्वाइव करवाना है मार्केट वैल्यू को ठीक ठाक रखना है तो इतना तो कमा लो भाई बाकी आगे का देखा जाएगा इससे ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा रहेगा बट मिनिमम इतना कमा लो ओके okay, मिनिमम इतना कमा लेंगे नो इशू नेक्स्ट उसी उसी पॉइंट पे दूसरा बुलेट उसी पॉइंट पे दूसरा बुलेट नेक्स्ट बुलेट इट इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न लिखो प्लीज इट इज द minimum rate of return required minimum rate of return required minimum rate of return required by the long term सोर्स ऑफ फंस बाई दॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस ओके एंड दर्ड बुलेट इट इज दी हार्डल रेट याद रखना से सर यह सब बहुत फेमस फेमस एमसीक्यू क्वेश्चंस भी होता है ये जो भी पॉइंट्स मैं आपको अभी लिखा रहा हूँ ना ये सब पॉइंट्स अलग से एमसीक्यूज क्वेश्चंस है ठीक है एक एक पॉइंट बहुत वाइटल लिखाता हूँ एकदम टोटल का तो किसी भी पॉइंट को ना नजरअंदाज नहीं करना है आपको इट इज दार्डल रेट इन कैपिटल बजटिंग हार्डर लेट इन कैपिटल बजटिंग ये सब आपके लिए बहुत बड़ा एसेट्स है नोट्स भी This is the hurdle rate in capital budgeting. This speaks that the project is this speaks that the project is viable only. The project is viable only. Viable matlab एक्सेप्टेबल ओके वायबल का मतलब होता है एक्सेप्टेबल द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल और वायबल ओनलीफ इट्स आई आर आर रेटर देन के सी दैट इज एनपीवी ग्रेटर देन जीरोट इज पी आई ग्रेटर देन वन इफ आयर आर ग्रेटर देन के सी दैट इज एन बी बी ग्रेटर देन जीरो दैट इज पी आई ग्रेटर देन वन लिख लिया समझाता हूं देखो, सेकेंड पॉइंट मैंने जो आपको बताया, इट इज डी मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय डी लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब अगर 10.6 परसेंट जो हमारा वीएससीसी आया, ये वीएससीसी जो भी मेरा आया, ये वीएससीसी मुझे मिनिमम रिटर्न कैलकुलेट, मतलब आर्न करना ही चाहिए। और अगर मैं लॉन्ग टर्म वे में फाइनेंस करता हूं अगर मैं लॉन्ग टर्म वे में मेरे बिजनेस के लिए फाइनेंस करता हूं तो ये मुझे मिनिमम मिनिमम लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म सोर्स सोर्स में में इतना तो फाइनेंस करना ही पड़ेगा में मेरा जो भी फाइनेंस होगा ये मेरा मिनिमम फाइनेंस का रेट होना चाहिए ओके नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज इट इज दार्ड रेट इन कैपिटल बजटिंग एक चैप्टर आएगा ठीक है इट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट दैट इज कैपिटल बजटिंग कैपिटल बजटिंग चैप्टर जब हम लोग करेंगे तब तो ये मैटर आपको बहुत अच्छे से समझ में और आएगा बट करेंटली यू जस्ट नीड टू नो इट इज दार्डल रेट हार्डल का मतलब आप समझते हो कि जो मेरा टफ टफ पॉइंट होते हैं मतलब मुझे इतना मुझे इतना तो क्रैक करना ही चाहिए ठीक है जैसे आपको फाइनल में पहुंचने का आपका हार्डल रेट क्या है आपको इंटरमीडिएट क्रैक करना है 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 ना ग्रुप 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 क्रैक क्रैक में पहुंचने का मिनिमम रेट क्या है? करना है. या इंटरमीडिएट में पहुंचने का मिनिमम हार्डल क्या होना चाहिए फाउंडेशन क्रैक करना चाहिए ओके okay? या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए टू सम तो पॉइंट यही हो जाता है कि हार्डल रेट आपको मिनिमम इतना तो करना ही पड़ेगा जो कैपिटल बजटिंग चैप्टर हमें मेनली सिखाएंगे बट एक चीज आप अभी याद रख लो कि तभी बिजनेस में एक प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल होता है तभी बिजनेस में एक प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल होता है जब उस पर्टिकुलर बिजनेस में आईआरआर आयरन मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न चाहे तो आप फुल फॉर्म साइड में लिख सकते हो चाहे तो आप फुल फॉर्म साइड में लिख के रख दो ये दिस इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगर बिजनेस का ना एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है जिसको हम लोग परसेंटेज वाइज बोलते हैं ये बहुत गजब का चीज है इसका कैलकुलेशन थोड़ा टफ होता होता है 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 बट फिर भी हम लोग सीखेंगे बहुत गजब का है। जो होता है ना ये हम लोग डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं हम लोग बोलते हैं ना भाई ये बिजनेस में मुझे पैसा लगाना है ये फंड में मुझे पैसा लगाना है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना और इन्वेस्टमेंट करके हम इतना सोचते हैं कि भाई मुझे कितना रिटर्न आ रहा है जैसे कल मुझे सुमित मेरे साथ एक शेयर किया था सुमित भी शेयर करता रहता है मोहितोश प्रिया शेयर करते हैं प्रिया इस क्लास में नहीं होते सुमित मोहितोश ये लोग मुझे शेयर करते रहते हैं उनका इन्वेस्टमेंट सिनारियो तो कल मुझे सुमित ने इन्वेस्टमेंट सिनारियो मुझे रिसेंटली बताया म्यूचुअल फंड में उसका कुछ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ऐसे पैंडमिक सिचुएशन में भी सुमित ने इनकम रिटर्न कमाया किसी फंड में उसका ट्वेल्व परसेंट है किसी फंड में फोर्टीन परसेंट है किसी फंड में उसका एटीन परसेंट रिटर्न तो बहुत गजब का उसका फाइनेंशियल नॉलेज वो बनाया है और ऐसे पैंडेमिक ऐसे ग्लोबल क्राइसिस में भी वो किसी में 12 परसेंट रिटर्न किसी में 14 परसेंट रिटर्न किसी में 18 परसेंट रिटर्न जनरेट किया आई एम नॉट जोकिंग इवन मोहित भी बहुत अच्छा अच्छा कुछ फंड वो खुद भी अपने मतलब बनाते हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहा है तो इस, इस मुझे बहुत प्राउड फील होता है ठीक है एक लड़का है बोल के उसका भी मैं पोर्टफोलियो देखता हूँ बहुत गजब का तो ये फंड चूज करने के टाइम पे हम लोग बेसिकली यही आईआरआर का ही बात करते हैं कि ये जब भी मैंने बोला ना बारह परसेंट चौदह परसेंट अठारह परसेंट बेसिकली ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है उस पर्टिकुलर फंड का ठीक है इसका कैलकुलेशन थोड़ा हटके होता है लेकिन इसका रेगुलर यूज बहुत है तो किसी ऑर्गेनाइजेशन पे आप तभी अपना एक्सेप्टेबल भा, तो होगा अगर आपका बिजनेस में आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होगा और एक चीज हमेशा याद रखिएगा जब जब आपका बिजनेस में आईआरआर ग्रेटर देन केसी होगा तब तब आपके बिजनेस पे तब तब आपके बिजनेस में एनपीबी ग्रेटर देन जीरो होगा होना ही है एनपीबी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू ये आई एनपीबी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ये सब मैटर में हम लोग डिस्कस कहां करेंगे

तो तो इसी तरह तरह जैसे प्यार तो होना ही था मतलब ये तीनों भी उसी होना ही था कॉन्सेप्ट में बना है ठीक है तो चाहे तो आप इसी तरह भी याद रख सकते हो ठीक है तो अल्टीमेटली ये आपके लिए बहुत वाइटल नोट्स है ठीक है ये सब ना आप लोग जिंदगी के लिए ना एकदम डायरी बना लो बिकॉज मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो नोट होता है ऐसे हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है हर एक सब्जेक्ट आप टैक्स पढ़ते हो कॉस्ट करते हो अकाउंट्स करते हो इच एंड एवरी सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बट मैं फिर भी बोलूंगा क्योंकि आ, हर एक सब्जेक्ट का आप अपना इस, इतना अच्छे से अपना स्टडी मैट बनाओ कि ताकि वो लाइफ लॉन्ग आपका एसेट बन जाए यार ये सब टॉपिक जो भी आप प्रोफेशनल लेवल में पढ़ते हो सिर्फ एग्जाम क्रैक करने के लिए ये इस तरह का नोट नहीं है ये नोट जो भी आपके सामने होता है ना ये लाइफ लॉन्ग है मैं जब भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ मैं अपना ये सब कॉपी पढ़ता हूँ कॉपी पढ़ के मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ और, और कॉपी पढ़ के फिर से मैं याद करता हूँ अच्छा क्या इस फंड अच्छा रहेगा जैसे रिसेंटली मेरा पोर्टफोलियो में कुछ हंड्रेड परसेंट रिटर्न चल रहा है ठीक है <laughs> मैं शेयर किया था स्टॉक मार्केट क्लास में करेंटली मेरा पोर्टफोलियो कुछ ऐसे ही रिटर्न जनरेट करके दिया है एक साल में ठीक है मेरा पोर्टफोलियो कॉलरिंग हंड्रेड परसेंट रिटर्न में जा रहा है इक्विटी इन्वेस्टमेंट है मेरा म्यूचुअल फंड में मेरा करेंटली कोई होल्डिंग नहीं है इक्विटी इन्वेस्टमेंट में मेरा हंड्रेड रिटर्न है वन ईयर इन्वेस्टमेंट में आपके लिए भी ये सब नोट बहुत वाइटल हो जाए ठीक है तो इसको बहुत अच्छे से एक अच्छा डायरी बना के लिखो एक अच्छा कॉपी बना के लिखो और इसको एकदम मतलब तो वो बोलते हैं ना बाइंडिंग करके बाद में रख लेना फिलहाल आपका एग्जाम क्रैक के लिए है लेकिन लाइफ लॉन्ग के लिए आपका बहुत मतलब आपका मतलब बोलते हैं ना जिंदगी का नया पार करा सकता है सीरियसली ये लाइफ का नया पार करा सकता है अगर आपको सर पे भरोसा है और अगर खुद पे भरोसा है तो आप बात को मान लो सीरियसली बोल रहा हूँ जैसे अभी फिफ्टीन ऑगस्ट आ रहा है ये मेरा पर्सनल एक पर्सनल बिलीफ है इंडिपेंडेंस डे है आज तो इंडिया आजाद है ठीक है हम लोग आजाद इंडिया में जन्म लिए हैं आजाद इंडिया में हम लोग पैदा हुए हैं तो इंडिपेंडेंस डे हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है बट मैं इसको इस तरह से सेलिब्रेट करने के लिए आप सबको कहूंगा मेरा एक ऐसा इच्छा है कि मैं ये पर्टिकुलर इंडिपेंडेंस डे को ही मैं स्टूडेंट्स कम्युनिटी मतलब जो भी मेरा स्टूडेंट्स है या फिर ऑल ओवर इंडिया जो भी स्टूडेंट्स कम्युनिटी है उनको मैं एक ऐसा डे इसके लिए करना चाहता हूं अगर सबका आप सबका मेरे ओपिनियन के साथ मैच है तो मुझे अच्छा बहुत अच्छा लगेगा तो मैं ना एक डे बनाना चाहता हूँ जिसको मैं फाइनेंशियल फ्रीडम डे बनाना चाहता हूँ आप लोग मुझे बताओ फाइनेंशियल फ्रीडम कितना सी होता है सबके लिए वो वो भी अगर वो, मतलब गुड वे से हो मतलब एडुकेशन के साथ साथ भी हो तो क्या मजा आ सकता है आप लोग बताओ मुझे ये वर्ड आपको कैसा लगा फाइनेंशियल फ्रीडम प्लीज बताना अच्छा है सर तो मैं बेसिकली चाहता हूं कि जिस तरह का फाइनेंशियल नॉलेज आप लोग गैदर कर रहे हो ताकि आप लोग भी फाइनेंशियल फ्रीडम भी बन जाओ ठीक है मतलब ये खराब ही नहीं है कि माँ पापा से पैसा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है इफ यू हैवे नॉलेज और अगर आप उस नॉलेज को यूज करके कॉमर्स का नॉलेज को यूज करके अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम बन सकते हो किसी और को भी फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए इंस्पायर कर सकते हो तो इसमें क्या बुराई है जस्ट जस्ट आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू इसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन हाँ सर ये बोलना जितना आसान है इसमें जो इफेक्ट डालना है ठीक है ये फाइनेंशियल फ्रीडम डे सेलिब्रेट करना ये एक डे सेलिब्रेट करने से डिफरेंट थिंग बट ये एक डे का खेल नहीं है ये इट्स अ प्रोसेस इट्स अ प्रोसेस और मुझे बहुत इच्छा है कि आप सब कोई मिलके मैं मैम सब कोई मिलके एक ऐसा फाइनेंशियल नॉलेज एक सबके मन में रेडी करूं ताकि हर कोई एक सर्टेन टाइम के बाद जैसे उसका कॉलेज लेवल चालू हो जाता है उसके बाद अपने आप को ऐसे प्रोसेस करके ऐसा प्रोसेस करके ऐसा नॉलेज गैदर करके वो बहुत जल्दी जल्दी मतलब पढ़ाई के साथ साथ अपना अपना एजुकेशनल लेवल तो बढ़ाएगा ही वो विद एजुकेशनल डेवलपमेंट वो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बहुत जल्दी बढ़े ताकि कभी फाइनेंशियली उसको बार्डन ना होना पड़े किसी के ऊपर ठीक है तो ये एक बहुत इच्छा है मेरा ताकि अरे ये स्टूडेंट कम्युनिटी में बहुत प्रॉब्लम भी है ठीक है तो ये मेरा एक इच्छा है कि ताकि हम लोग ये कॉमर्स का नॉलेज को यूज करके अपना फाइनेंशियल आजादी छीन सके ठीक है किससे किसी से नहीं अपने से ये ये लड़ाई किसी और के साथ नहीं है ये लड़ाई अपने साथ है ठीक है क्या ऑब्जेक्टिव सही लगा आप लोगों को रोशनी डिंकी ये लड़ाई ये फ्रीडम ये अच्छा लगेगा ऐसा फ्रीडम है चलो ना ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बनाओ कुछ प्लानिंग करो कि हम लोग इस तरह से आज के डेट में ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है सब कुछ लोग कुछ भी करके लोगों के पास पहुँचे फाइनेंशियल नॉलेज उनके साथ शेयर करे ठीक है सबके साथ ठीक है चाहे ओल्ड एज इंसान हो चाहे कॉलेज uh, स्टूडेंट्स हो स्कूल स्टूडेंट्स हो ताकि सबके साथ एक फाइनेंशियल नॉलेज शेयर करें क्योंकि सब कोई चाहते हैं जानते हो ना कि अपना फंड को कैसे मैनेज करें थोड़ा इनकम कहाँ से आ जाए तो क्या करने से किसको कौन क्या करने से उसको इनकम भी हो जाएगा फाइनेंशियल एक आजादी भी मिलेगा और फिर इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा रिटर्न कैसे कमा लेगा इच एंड एवरीथिंग एक ताकि ये कैसे इजी वे में बच्चे लोगों के लिए ओल्ड एज के लिए इलिटरेट जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है उनके लिए भी कुछ ऐसा कुछ प्रोजेक्ट आप लोग रेडी करो ना और फिर किस तरह से वेबसाइट के थ्रू से या एप के थ्रू से हम लोग लोगों के पास पहुंच पाए एक छोटा छोटा एडुकेशनल इनिशिएटिव्स लेके क्विज क्विज कॉन्टेस्ट के, के हिसाब से हम लोग पहुंच सकते हैं बहुत लोगों के पास अगर आपके पास कोई आइडिया होगा तो आप लोग मुझे शेयर करना फिर आपको एक साथ मिलके कर सकते हैं ओके ओके सर चलो कोई बात नहीं करेंगे मुझे तो बहुत इच्छा है ओके okay. तो ये था आज का मेनली कॉन्सेप्ट ओके okay. अच्छा कुछ क्वेश्चंस का जवाब फटाफट -फड़ मुझे अभी देता थोड़ी थोड़ा सा कुछ छोटा छोटा क्वेश्चंस है अच्छा क्वेश्चंस लिखो छोटा क्वेश्चंस है छोटा छोटा कुछ डेप बाई इक्विटी इक्वल्स टू पॉइंट फोर है आंसर दो तो मुझे वेट ऑफ डेप्ट कितना होगा प्लीज टेल मी क्वेश्चन का आंसर दो डेप बाई इक्विटी पॉइंट फोर वेट ऑफ डेप कितना होगा पॉइंट फोर क्या सबको एग्री हो मौसमी के साथ ये जवाब मौसमी ने दिया है क्या सब कोई एग्री हो इस पॉइंट के साथ बाई वन पॉइंट फोर वेरी गुड ओके ऐसा जब भी होता है ना कंफ्यूज मत हो जाना ठीक है हो सकता है इस तरह का इक्वेशंस दे दे फिर मुश्किल कहाँ हो जाता है मैक्सिमम के का के में मैं देखा हूं मुश्किल ये हो जाता है कि अरे पॉइंट फोर दिया है तो फिर टोटल क्या होगा हम लोग तो हर एक चीज को टोटल में काउंट करते हैं ऑब्वियसली दिया दिया हुआ हुआ है है दैट समझ लेना चाहिए फोर दिया हुआ है, मतलब फोर क्या है 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 ना तो टोटल कितना हो गया मतलब पॉइंट फोर इज योर डेप्ट एंड वन इज योर इक्विटी तो टोटल वन पॉइंट फोर आपका टोटल कैपिटल है तो टोटल कैपिटल 1.4 आपका टोटल कैपिटल है उसमें 0.4 आपका डेप्ट है और अगर आपको यहाँ पर पूछता वेट ऑफ इक्विटी कितना तो जवाब क्या होता वन बाई वन पॉइंट फोर यस और नो यस ठीक है तो इस तरह का डेप इक्विटी रेशियो भी हो सकता है तो डोंट बी कन्फ्यूज एक नोट लिख लो प्लीज प्लीज एक नोट लिखो नोट क्या लिखोगे इट इज द इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग विश It is important to distinguish between debt equity ratio and debt financing ratio. ओके okay. एक होता है डिप्ट इक्विटी रेशियो एक होता है फाइनेंसिंग रेशियो तो आपको हमेशा इसको ध्यान रखना चाहिए आगे, आगे आप याद रखिएगा डिप्ट इक्विटी रेशियो एंड डिप्ट फाइनेंसिंग रेशियो में थोड़ा डिफरेंस जरूर होता है ओके अच्छा कुछ होमवर्क दे रहा हूँ नेक्स्ट दिन बता देना डिप्ट इक्विटी इक्वल्स टू टू क्वेश्चन है वेट ऑफ वेट ऑफ इक्विटी इक्विटी अनदर बाय इक्वल्स टू सेम वेट ऑफ डेप्ट वेट ऑफ इक्विटी ओनली फॉर यूर प्रैक्टिस वेरी इजी थिंग बचपन से सीख के आ रहे हो लेकिन फिर भी फिर भी मैंने देखा है कि गलत करता है तभी मैं आपको दे रहा हूं कि एक बार प्रैक्टिस कर लेना सर रेशियो का नॉर्मल पैटर्न है लेकिन फिर भी लोग कन्फ्यूज होते हैं तो आप लोग एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेना ओके okay? तो ये आज का ही पूरा कॉन्सेप्ट और था ज्यादा कुछ और मैं नहीं दे रहा हूँ नेक्स्ट क्लास हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल में गहराई के साथ बहुत सारा पॉइंट है हम लोग डिवेंचर बॉन्ड का वैल्यूशन करना सीख जाएंगे कि गवर्नमेंट बॉन्ड जो होते हैं ना तो गवर्नमेंट बॉन्ड में क्या इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट बॉन्ड का वैल्यूशन कैसे करेंगे ठीक है इवन हम लोग उसका एकदम बॉन्ड का वैल्यू भी करना सीख जाएंगे तो ये सब मैटर पे डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में चलेगा तो आई होप कि आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया तो बताओ क्लियर है ना स्टोरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का स्टोरी क्लियर है बहुत कुछ सीखना है अभी cost of capital में story clear है कि नहीं पहले मुझे बता दो किसी को कोई सवाल है तो कर लो किसी को कुछ पूछना है कुछ ओके ठीक है किसी को कुछ पूछना नहीं है मतलब सब समझ में आया है ठीक है नो no होमवर्क जितना दिया हो उतना नेक्स्ट क्लास में मैं टाइम वैल्यू मनी का कुछ देख रहा हूँ अगर कुछ कुछ मिल जाए एक्चुअली सब किताब में लेके नहीं आ पाया अगर कुछ कुछ मिल जाए तो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ अदरवाइज uh, आज इतना ही है ठीक है चलो बाय नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ ओके टाटा बाय सर रखो बाय सर, सर।, सर। बोलो স্যার বলছি টাইম ভ্যালু মানির আমাকে সেকেন্ড ক্লাস আর থার্ড ক্লাসের রেকর্ডিংটা একটু দেবেন টাইম ভ্যালু মানি সেকেন্ড থার্ড ক্লাসটা একবার ইউটিউবে সার্চ করিস না ইউটিউবে একটু গিয়ে সার্চ করিস টাইম ভ্যালু মানি বলে পেয়ে যাবে আচ্ছা স্যার ঠিক আছে কেজ স্কোয়ারের পেজটা সাবস্ক্রাইব করিস ওই চ্যানেলটা স্যার হ্যাঁ সাবস্ক্রাইব করা আছে ওখানে ফার্স্ট ক্লাসটা দেখাচ্ছে তারপরে দেখাচ্ছে না এর জন্যই তাই শুধু একটাই ক্লাস দেখাচ্ছে फर्स्ट क्लास तो देखा था जैसे चार्टेड क्लास का एक ही क्लास दिखाता है चार्टेड चार्टेड क्लास सच्चा आप सच्चा टाइम वेलो मानी चार्टेड क्लास हुए चलो ना हेलो हाँ बोल सुन ची স্যার টাইম ভ্যালু টাইম ভ্যালু মানে স্যার ফোর্থ না চারটে না পাঁচটা ক্লাস নিয়েছিলেন না তো স্যার আমি সেকেন্ড সেকেন্ড ক্লাসটা মিস করেছিলাম আর সেকেন্ড ক্লাস টা মিস করে থার্ড ক্লাসটা আমি ছিলাম কিন্তু স্যার সেকেন্ড ক্লাসের সঙ্গে আমি থার্ড ক্লাসটা একটুখানি মানে আপনার কথাগুলো শুনলে আমার সুবিধা হবে সেকেন্ড ক্লাস গুলো ঠিক আছে ঠিক আছে আমি দেখে নিচ্ছি আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি দেখে নিচ্ছি পাঠিয়ে দিচ্ছি पाठ मेरे को रेशियो रेशियो एनालिसिस के क्लासेस चाहिए रेशियो एनालिसिस तो का हां पहला वाला तो मैंने डाउनलोड कर लिया YouTube से बाकी चाहिए बाकी चाहिए अच्छा कितना क्लासेस और नहीं मिला है और चार क्लासेस हुआ है तीन क्लासेस और चाहिए सर यूट्यूबर्स यूट्यूब यूट्यूबर्स और केएसजी स्क्वायर चैनल है ना माने पूरा प्रॉपर्टी स्क्वायर अच्छा ना प्रॉपर्टी दहेज चैनल बोलते মানে স্যার এই যে যেমন টাইম ভ্যালু মানে মানে ফার্স্ট ক্লাসটা দেখালো তারপরে গুলো মানে সিনক্রোনাইজেশন যেটা থাকে পর 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 স্টার্টিং দিকে স্যার যেগুলো আপলোড করেছিলেন আমি না অ্যাকচুয়ালি কি বলতো আমি আমি ইউটিউবটাকে না গুছোতে পারিনি বুঝেছিস তো মানে ওখানে না একটা প্যাটার্ন ছিল মানে আমি টাইমই পেয়ে উঠি না তো না একটা পুরো মানে প্রত্যেকটা সাবজেক্ট ওয়াইজ আলাদা আলাদা একটা যে প্লে লিস্ট বানাবো আমি কিছু বানিয়ে উঠতে পারিনি বুঝেছিস তো ঠিক আছে তাই পাঠিয়ে দেবো ঠিক আছে ছেড়ে তুমি দেখে নিছো উট আমি एक्चुअली প্লেলিস্টগুলো বানাইনি বলে একটু অসুবিধা হচ্ছে আমি দেখছি আমি চেষ্টা করছি যদি সম্ভব হয় আমি বানিয়ে নেব ঠিক আছে আমি তোদের রিকয়ারমেন্ট বুঝে গেছি আমাকে একটু হোয়াটসঅ্যাপ এ মেসেজ করে রাখিস তো ঠিক আছে शिवम दोनों को बोल रहा हूं हां थोड़ा मैसेज करके रखना ओके ठीक है ठीक है ठीक है चलो ठीक है राखिश ओके ओके सर मेरा वाला पढ़ो ना एक बार हां अच्छा तेरा वाला मैं पढ़ता हूं आज ही पढ़ता हूं तू तो कभी बन गया रे हां मन नहीं लगा था बैठे बैठे लिख के देखता हूँ अच्छा लिखो लिखो YouTube पेज बनाया एक YouTube पेज में ऐसे लिख के छोड़ ओ <laughs> तो वहाँ आके देखो ऐसा सोचा है वैसे मैंने न, एक ना एक चीज पे स्क्रिप्ट लिखा जो पूरा जगह आपको पूर सुनाऊंगा अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ आज देखता हूँ ठीक है ठीक है चल बाय बाय